उत्तर प्रदेश शासन द्वारा धनगर प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु शासनादेश जारी होने के बावजूद भी लेखपाल और तहसीलदारों की उदासीनता के चलते धनगर समाज के लोगों ने जिला अधिकारी आगरा के नाम सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर प्रभाकांत अवस्थी को ज्ञापन व प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया, जहां सिटी मजिस्ट्रेट ने धनगर समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द तहसीलदारों को शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे प्रमाण पत्र में किसी तरह की समस्या न आए। धनगर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो शासनादेश जनवरी में जारी हुआ है, उसके आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में इनका प्रतिवेदन ज्ञापन के माध्यम से दिया गया, जिसके संबंध में समस्त तहसीलों को जो है कार्रवाई के लिए जो लिखा जा रहा है। ये तो तहसीलदार जो है सर्टिफिकेट जारी करते हैं, तहसील के संबंध में इसका संज्ञान हमारे। इस मौके पर धनगर समाज के लोगों ने शासनादेश के बावजूद भी प्रमाण पत्र निर्गत होने में आ रही समस्या की जानकारी दी। राजेंद्र कुमार धनगर। आज धनगर समाज के सभी लोग डीएम कार्यालय पे आए, डीएम साहब अनुपस्थित थे। जो डीएम प्रभारी हैं एसीएम साहब, उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया, एक प्रार्थना पत्र लिया। हमारा उनसे ये अनुरोध था कि शासनादेश को आए हुए एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, 24 जनवरी का शासनादेश है, उस शासनादेश का कोई भी अनुपालन नहीं हो रहा है। एक हफ्ते में सदर तहसील के अंदर करीब लगभग 182 आवेदन डाले गए। ये तहसील जो लेखपालों के द्वारा बताई हुई सूची है, उन्होंने हमको अवगत कराया है कि 182 आवेदन आए हैं सदर तहसील में और वो सभी हमने निरस्त कर दिए हैं इस आदेश के सर्कुलेशन उनके पास ना पहुंचने के कारण। उदासीनता ये है कि जो प्रमुख सचिव का जो आदेश है, स्पष्टीकरण है, उसमें बहुत क्लियर है कि धनगर जाति के प्रमाण बनाए जाए, परंतु पता नहीं क्या कारण है वो लोग जो तहसील स्तर पर लेखपाल इसको बना नहीं रहे हैं। उदासीनता यही है, तो किसी का दबाव है, किसी राजनेता का दबाव हो सकता है, किसी पार्टी विशेष के किसी नेता का दबाव हो सकता है, और हमको तो ये भी लगता है इसी दबाव के कारण 10 तारीख तक डीएम महोदय आगरा से एब्सेंट है, अनुपस्थित है। ऐसी स्थिति में अभी हमने दबाव का बताया, जिला प्रभारी को बताया है, डीएम प्रभारी को, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिए हैं कि तहसीलों को आदेश दिए हैं कि इनका इस पर कार्रवाई की जाए। अगर दो दिन में अगर नहीं तहसील स्तर से हमारे धनगर सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं तो हम इस पर आंदोलन करेंगे, और ये भी रूपरेखा है कल इसी सिलसिले में डीएम अनुपस्थित हैं तो हम कमिश्नर महोदय से सुबह मुलाकात करेंगे। आश्वासन ये मिला है कि हम जो सर्कुलर आया है उसे सर्कुलेट कर देंगे तहसीलों को। उदासीनता इस बार इस वजह से दिख रही है कि 10 दिन हो गए पूरे, 24 तारीख को जारी हुआ शासनादेश, अभी तक तहसीलों तक सर्कुलेट नहीं हुआ है। अन्य जिलों में इसी सर्कुलेशन से हमारे सर्टिफिकेट बन गए, लेकिन आगरा जिले में बड़ी उदासीनता दिख रही है। हो सकता है इस पर प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से दबाव हो, दबाव के कारण ऐसा हो रहा है। डीएम साहब छुट्टी पर है। हाँ, निरस्त के यह लेखपाल संघ जो है, लेखपाल लोग हैं, वो मना कर रहे हैं कि हम किसी तरह से हाल में नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी शासनादेश नहीं आया है। आपने पहले ही अप्लाई कर दिया है, बिना शासनादेश के स्पष्टीकरण क्लेरिफिकेशन नहीं है। जो आप हमें दिखा रहे हैं वो तहसील के द्वारा माध्यम से आएगा, तब हम जाके उस पर रिपोर्ट लगाएंगे, जब तक हम कैंसिलेशन कर देंगे। मेरा नाम राजेश धनगर है। अभी जिलाधिकारी महोदय शुक्रवार से छुट्टी पर हैं और मालूम पड़ा है कि 10 तारीख तक वो छुट्टी पर है, एक सर्कुलेशन जारी नहीं हुआ है। आज जैसे ज्ञापन दिया कलेक्ट्रेट में और उन्होंने आगे के लिए निर्देश भी दिए हैं कि इनके सर्टिफिकेट बनने चाहिए। बड़ी चिंता का विषय ये है कि धनगर सर्टिफिकेट के लिए हमारा समाज दर दर भटक रहा है, कोई सुनवाई हो नहीं रही है, उसी का प्रेशर है, नहीं बन रहा है, नेताओं के आपसी तकरार की वजह से समाज पिस रहा है, और समाज में रोष भी बहुत है और समाज तैयार है आंदोलन के लिए। नहीं बनेगा तो आंदोलन करेगा, 10 तारीख तक का समय है, सर्टिफिकेट बनते हैं ठीक है, नहीं समाज आंदोलन करेगा और सभी नेता समाज के सब एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। मेरा नाम विजय सिंह धनगर है। मैं प्रार्थना पत्र दिया है तो एडीएम सिटी साहब ने यह कहा है कि जो हम सर्कुलेशन जारी करेंगे और आपके सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी बनेंगे, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके बावजूद एक बात है कि मेरे बेटे दिनेश कुमार चंदेल धनगर ने सर्टिफिकेट डाला था, तो कर मेली लेखपाल से बात हुई थी, फ़ोन नंबर मिला लेखपाल का, लेखपाल से बात हुई तो लेखपाल बोला कि हम सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे। भाई क्यों नहीं बनाओगे, मेरा फ़ोन से बात हो रही है। मैंने कहा फ़ोन से बात हो रही है तो सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनाओगे, कि हमको कोई आदेश नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। इसलिए हमको यहाँ पर ज्ञापन एक प्रार्थना पत्र हमने दिया है कि हमारे सर्टिफिकेट हमारे जो सर्कुलेशन है उसे तहसीलों में भिजवाइए, लेखपालों के द्वारा भिजवाइए। तो इन्होंने 2-3 दिन के लिए हमसे कहा है कि वैसे अभी ऑर्डर तो अभी किए हैं, उन्होंने बुलाया बाबू को और उनको कहा है कि इनको जल्दी से जल्दी भेजिए, ये आश्वासन उन्होंने दिया। नहीं होता है तो हम कल कमिश्नर साहब से मिलेंगे।
और कमिश्नर साहब से भी अपनी यही बात कहेंगे, क्योंकि सीढ़ी के नुमा चढ़ना हमारा यहाँ अत्यंत आवश्यक है। सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे तो पूरा आंदोलन भी करने के लिए तैयार है हमारा पूरा धनगर समाज। प्रदीप धनगर पहले भी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं यहाँ पर, और आज हम धनगर के लोग काफ़ी लोग यहाँ आए हैं डीएम साहब से मिलने, लेकिन डीएम साहब 10 तारीख तक गायब है यहाँ से, और किसके दबाव में क्या ये तो डीएम साहब ही जाने क्यों गायब है। लेकिन उन्होंने जो उनके प्रभारी बैठे हुए हैं उन्होंने हमें 3 दिन का समय दिया है कि बोले 3 दिन में हम आपको सर्टिफिकेट तहसीलदार से बनवा देंगे, नहीं देंगे तो समाज धरना प्रदर्शन पुतला पुत जो भी करेगा वो समाज करेगा, पूरा एकजुट होकर सारा करेगा। दूसरी तरफ जिला अधिकारी की अनुपस्थिति में धनगर समाज के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार चाहर ने प्रमाण पत्र बनाए जाने में आ रही समस्या से एडीएम सिटी केपी सिंह को अवगत कराया, जहां उन्होंने जल्द ही शासनादेश के आधार पर लेखपाल व तहसीलदारों को आदेश जारी करने की बात कही। धनगर समाज के संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा आज एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, और उसमें के द्वारा प्रमुख सचिव साहब का एक आदेश की छाया प्रति संलग्न की गई, और कहा गया है कि जो वर्तमान में जो शासन के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका तहसील स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। इसके संबंध में इनके द्वारा जो जीओ प्रस्तुत किया गया है उसको नेट से उसकी कॉपी डाउनलोड करके समस्त जो हमारी तहसीलें हैं उनको प्रेषित कर दी जाएगी, और जो भी शासन का आदेश है उसका अनुपालन कराया जाएगा। ये चूंकि तहसील स्तर पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत होते हैं और शासन के निर्देशों का पालन करना जिला स्तर पर संबंधित तहसील और SDM को हमारे यहाँ से पत्र बनाकर इस पर कार्रवाई करने के लिए प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रेषित किया जाएगा। वे जांच करेंगे जो शासनादेश की वर्णित व्यवस्थाएँ हैं जो उनके द्वारा दिए गए हैं कि जो चीज़ें देखनी है जो शायद पहले नहीं देखी जा रही थी उनकी भी जाँच होगी, इसके उपरांत ही निर्गत होगा। नहीं, अब तक कोई इस तरह का शासनादेश नहीं था, एक आदेश प्रस्तुत किया गया है उसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है। अब चूंकि इसकी जब हम मूल कापी प्राप्त करेंगे जब नेट से डाउनलोड करते हुए, चूँकि हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, हम शासन के आदेश की जब हमें कॉपी प्राप्त हो जाएगी तभी हम इस पर कुछ कह पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार चाहर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर किसी का हित साध कर चल रही है, धनगर समाज को उसका संवैधानिक हक मिलना चाहिए। लंबे समय से धनगर प्रमाण पत्र की जो लड़ाई यह समाज लड़ रहा है उसका संवैधानिक हक शासन ने देने का काम किया है। अगर किसी तरह का कोई प्रमाण पत्रों में रोड़ा बनकर सामने आ रहा है तो यह भारतीय जनता पार्टी की नीति रीतियों के विरोध में कार्य कर रहा है, उसको पार्टी सहज स्वीकार नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार धनगर समाज के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति सचेत है, उनके अधिकारों को दिलाना चाहती है, और शासनादेश जारी हुआ है तो शासनादेश का निश्चित रूप से पालन किया जाएगा, और धनगर समाज को उनका अधिकार है, लंबे समय से उनकी मांग चली आ रही है। ये समाज एक श्रमजीवी समाज है, किसान और मजदूर समाज है, इसमें अनेक बड़ी संख्या में गरीब लोग इस समाज के अंदर रहते हैं, उनको अधिकार पूरी तरह उन्हें मिलना चाहिए। शासन भी इसके लिए कटिबद्ध है और भारतीय जनता पार्टी भी इसके लिए कटिबद्ध है। देखिए, जहाँ तक मैं किसी रोड़े की बात करना चाहूँ, सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी को बधाई देना चाहता हूँ। वो हमारी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े जनाधार वाले नेता हैं, व्यक्तिगत रूप से भी मैं उनको एक अच्छे नेता के रूप में मानता हूँ, और उनका अनेक मामलों में, उनकी मेहनत के मामले में उनका अनुसरण करने का प्रयास भी करता हूँ। प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने हमेशा धनगर समाज की लड़ाई लड़ी है, और धनगर समाज की बड़ी पहचान प्रोफेसर SP सिंह बघेल से पूरे देश के अंदर होती है। वो बघेल समाज या धनगर समाज के ही अकेले नेता नहीं, बल्कि वो पिछड़ा समाज और सर्व जातियों के एक सर्वमान्य नेता हैं, उसमें मुझे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई हिचक नहीं है। जहाँ तक रही बात किसी के रोड़ा अटकाने की, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को रोड़ा अटकाना चाहिए, और जो रोड़े अटका रहे हैं उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, वो अपने रोड़ों को वापस लें और धनगर समाज को आगे आने दें। देखिए, मुझे नहीं पता कुर्सी किसकी खतरे में है और किसकी खतरे में नहीं है, ये तो समाज तय करेगा, ये तो पार्टी तय करती है कुर्सी किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। समाज से बड़ा कोई नहीं है, देश से बड़ा कोई नहीं है, और राजनीतिक व्यक्ति अपनी पार्टी से बड़ा किसी को नहीं मानता है ना पार्टी। मेरा अपना मानना यह है कि रोड़े किसी को नहीं अटकाना चाहिए, चाहे कोई वो व्यक्ति हो चाहे कोई आयोग हो। आयोग को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि आयोग धनगर समाज के हित के लिए बना है। आयोग जो है, जो अनुसूचित जाति का अगर आयोग है तो वो अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके हित की रक्षा के लिए बनाए, उनकी हित की रक्षा करें, बड़प्पन दिखाएं कोई भी हो। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो धनगर समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उन्होंने पिछले 2014 के लोकसभा चुनावों में और 2017 के विधानसभा चुनावों में
प्रभावी भूमिका धनगर समाज के लोगों ने, बघेल समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में निभाई है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी वचनबद्ध है, उनका साथ पूरी ताकत से देगी, सरकार भी देगी और पार्टी भी देगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आदेश करने के बावजूद भी तमाम आवेदनकर्ताओं के जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो रहे हैं या फिर लेखपाल तहसीलदारों की उदासीनता बरकरार है। ऐसे में धनगर समाज में निरंतर रोष व्याप्त है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा 2019 से पहले भाजपा शीर्ष नेतृत्व धनगर प्रमाण पत्र सहज तरीके से देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को किस तरीके से कड़े आदेश करता है, जिससे आगरा में धनगर जमात का 2,00,000 वोट साधारण तरीके से भाजपा को मिल सके। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को भी धनगर समाज काफी अच्छे रूप में प्रभावित करता है। भाजपा यह चाहेगी कि धनगर समाज को उसका संवैधानिक हक दिलाकर एक बार फिर से 2019 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी सीट पर काबिज हों। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट।